नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल का द करनाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि करनाल के ठंडी सड़क पर स्थित है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, उसके अंडर काम करती हैं कई सोसाइटीज़ जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो गांव-गांव में किसानों को लोन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है, चाहे ब्याज पर हो, कम ब्याज पर हो या फिर बिना ब्याज पर हो, ये सारा काम करती है वो सोसाइटीज़ और सोसाइटीज़ में काम करने वाले मेंबर, ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके, किसान अपना काम कर सके, खेती सही से कर सके, अपना बीज खरीद सके, जो भी उनको सामान खरीदना है वो उस लोन से खरीद सके। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अब सरकार ये बड़ा फैसला लेना चाहती है कि ये जो आप बड़ा सा बैंक देख रहे हैं, इसके अंडर काम करने वाली सोसाइटीज और सोसाइटीज के अंदर काम करने वाले मेंबर्स का काम अब बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और ये तैयारी करने के लिए सरकार अब तैयार है कि कोऑपरेटिव बैंक के ही कर्मचारी अब सीधे तौर पर किसानों से जुड़ेंगे, उन्हें लोन मुहैया करवाएंगे। यहां पर सवाल ये उठता है कि ये जो 400 बताए जा रहे हैं कि 400 मेंबर हैं जो कोऑपरेटिव बैंक के अंडर जो सोसाइटी है उसमें काम करते हैं, और ऐसे में उन कर्मचारियों की घर बैठने की नौबत आ चुकी है। आज आप देख सकते हैं एक हड़ताल पर यहाँ पर तमाम कर्मचारी आपको देखने को मिल रहे होंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अपने आप में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करनाल के द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आप देख पा रहे होंगे। मेरी आप सभी लोगों से फिर से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग सोसाइटीज के यहाँ पर मेंबर्स मौजूद हैं, उन्हीं में से एक मेंबर यहाँ पर भी है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या तैयारी इस वक्त चल रही है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि अब बैंक ही किसानों से सीधे तौर पर जुड़ेगा और आपका काम खत्म करने की तैयारी है? मैं कुलदीप सिंह राणा, राज्य प्रधान पैक्स कर्मचारी यूनियन हरियाणा। मैडम जी, हमें 13 दिन हो गए, हमने 10 दिन तो हमने पहले अपनी जो हमारी गांव लेवल पर सोसाइटियां हैं उनको बंद रखा, वहां पर कोई लेन देन नहीं किया हमने। हमने फिर बैंक को नोटिस दिया कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। सोमवार से हम आप पार्क में बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना हमारा चल रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारे साथ बात करना नहीं चाह रहा है। पता नहीं जिनके दिमाग कितना खराब हो रहा है, किसने करके पैसे दिए, कैसी ये सरकार है। सरकार का फैसला है? ये सरकार का कोई फैसला नहीं है। हमने मैडम से पॉलिसी ली, हमारे को पॉलिसी दो, कोई पॉलिसी हमारे को नहीं दे पाए। हरियाणा में लिया जा रहा है ये फैसला? हाँ, हरियाणा में लिया जा रहा है मैम ये, लेकिन हमें धरने पर बैठे हम कह रहे हैं हम अपना डाटा नहीं देंगे। आज किसान सड़कों पर फिरने लग रहा, किसान की कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही परेशान है सर हमारे देश में। आपको क्या लगता है सर, जो लोन आप लोग किसानों को मुहैया करवाते हैं जिससे वो अपना काम करते हैं, उसका भी तो एक समय निर्धारित किया गया होगा, अगर आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर रहेंगे तो उससे किसान भी प्रभावित हो रहे हैं? 30/6/2022 हमारी और ड्यू डेट होती है, अब उसके 15 दिन या 16 दिन रह गए हैं। अगर 16 दिन के अंदर किसान अपना पैसा सोसाइटी में जमा नहीं कराएगा तो उसको 18% इंटरेस्ट लगेगा। सर, अगर कोऑपरेटिव बैंक की कर्मचारी सीधे तौर पर किसानों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें लोन मुहैया करवाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि किसानों को बैंकों में आकर धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसानों की हालत क्या होती है जब उन्हें लोन लेना पड़ता है? हमने ये बात बार बार बैंक अधिकारियों को बता दिया है, लेकिन बैंक का कोई अधिकारी हमारे से सुनना नहीं चाह रहा है। आज किसान को उसके घर में सुविधा मिल रही है, उसमें घर में बैठे उसको खाद बीज दवाई मिल रहा है, वो गांव से चल के आता है और रात को हमारे से ताड़ा खिलवा के ले जाता है, किसी टाइम हमारे से फोन करो उसी टाइम उसको सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पे आज सीजन चल रहा है, किसान अपनी जीरी की तैयारी कर रहा है, उसको प्योत बोनी है, उसके लिए उसको DAP चाहिए, जिंक चाहिए, दवाई चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। वो बेचारा प्राइवेट डीलरों के पास जा रहा, वहाँ 2 DAP बैग लेता है, उसके पास उसको पोटास दिया जाता है, कुछ दवाई की बोतलें दी जाती हैं, जो ब्लैकमेलर हो या उसके बाद मरे पड़े हो। तो पहले 10 मण गेहूँ कंपनी के लिए किसान की 70,000 रुपये 65,000 रुपये में उसने 5 बीघा के ठेके पे ले रखा है, और उसको समय पर कुछ खाद बीज दवाई सोसाइटी द्वारा नहीं मिलेगा तो किसान तो मर जाएगा। और अब 30/6 से पहले अगर हमारा विभाग, हमारे अधिकारी हमारी बात सुने और इसको जल्दी से जल्दी इस बात को निपटावें, तो 15 दिन हमारे पास हैं, हम किसानों के घर घर जाके हम उनका पैसा उनसे ले सकते हैं, दोबारा उनको दे सकते हैं। लेकिन ये 95% बिजनेस इस बैंक का कोऑपरेटिव सोसाइटी आज कर रही है, जिसमें हम 422 कर्मचारी हैं, 90 सोसाइटी हैं हमारे करनाल के अंदर जो ये काम कर रही हैं। 90 सोसाइटी में सदस्य कितने मेंबर्स? लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा किसान इसमें
जो हमारे साथ लेन देन कर रहे हैं। सभी प्रभावित होंगे, सभी प्रभावित हो गए, एक एक किसान प्रभावित होगा जिसके अंदर। अब मेरे पास बल्कि उनको नुकसान भी बहुत नुकसान। अब मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी में 1200 मेंबर करंट के जो लेन देन कर रहे हैं, तो 1200 के 12 ये प्रभावित होंगे। और बैंक की रिकवरी 8 करोड़ रुपये, 8 करोड़ रुपये मेरी सोसाइटी का लोन आना था, वो बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर किसान अब उसको 8 करोड़ रुपया टोटल मेंबरों को बगैर ब्याज के दिया जा रहा है, अगर उसको 30/6 के बाद उसको 18% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, तो किसान डिफॉल्टर हो जाएगा, दोबारा उसको आना नहीं है। इस अनिश्चितकालीन धरने से क्या मांग रखते हैं सरकार से, क्या कुछ अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, क्या मांग है आप? हमारी ये मांग है, सिर्फ एक ही मुख्य मांग है कि जो ये डाटा है, जो बैंक हमारे से डाटा मांगना चाह रहे हैं सोसाइटियों का, हम ये डाटा नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम कहते हैं टेबल पे बैठ के हमारे से इस विषय में बात करें, ऑन टेबल ये सारी बात होनी चाहिए, जो कि इनका कहना है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर नुकसान और किसी को नहीं, ना सिर्फ इन सदस्यों को बल्कि किसानों को भी होने वाला है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सड़क कर्मचारी संघ के भी तमाम कर्मचारी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। मेरी आप सभी लोगों से फिर से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।